ओम शांति। आज 5 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा विशेष ब्रह्मा बाबा का महत्व बताते हैं। बाबा कहे, कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। बाबा कहे, जब तक ब्रह्मा मुखम शावली न बने तब तक वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र ही है। जिसने बाप को पहचाना नहीं, अलौकिक बाप को पहचाना नहीं, वो शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे रख सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के महत्व को भी समझते हुए हर एक के अंदर वो रिगार्ड ब्रह्मा बाप के लिए भी जरूर बिठाना है। ये तो जरूर है कि सारे विश्व के अंदर ब्रह्मा का मंदिर मुख्य रूप से तो एक ही है। ब्रह्मा बाबा निर्माण जरूर है, लेकिन ये नहीं कि उसका महत्व नहीं है। शिव बाबा भी उनके मुख द्वारा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने थोड़ा कड़ा शब्द यूज किया, जो ब्रह्मा को नहीं मानते वह शूद्र ही है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, सारे विश्व की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए। आराम पसंद न हो, आराम पसंद नहीं तो उसको बाबा ने कहा ईमानदार सेवाधारी। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते? उत्तर है, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। आज बाबा ने मुरली को आरंभ ही इस तरह से किया, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती है। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है यह पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा है मधुबन। ये है शिव बाबा की पाठशाला जिसका नाम रखा है मधुबन। मधु और बन, बन यानी जहां तपस्या का स्थान है, और मधु यानी मधुरता। तो जो अति मधुरता पूर्ण तपस्या का स्थान, उसको कहा जाता है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है, इसीलिए भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं, मधुबन में मुरली बाजे। तो बाबा कहे, ये अति मधुर तपस्या के स्थान में शिव बाबा आकर के ज्ञान की मुरली बजाते हैं। तो मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है, किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। मुरली जो बजाते हैं वह भी साकार रथ द्वारा, उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, इसमें बाप प्रवेश करते हैं, यह तो तुम बच्चे भी समझते हो। और तो कोई न रचता को, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी
गवर्नर आदि है तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। किसका? बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं, ये परिचय जरूर देना है। उनकी ये ब्रांचेस खुल रही है, कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। बच्चे उद्घाटन कराते हैं, ओपनिंग कराते हैं इसी लक्ष्य से कि उनका कल्याण हो जाए, कुछ समझे कि बरोबर पाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, विश्व में शांति के राज्य की अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन तो हो चुका है, अभी ये ब्रांचेस खुल रही है। जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती है, बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। यह नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। हाँ, ये ज्ञान सिर्फ परमात्मा में ही होता है, इसीलिए उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है, तो आत्मा को परमपिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने लिए, फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्य की ही है। बाप कहते हैं मैं आया हूं नई दुनिया रचने। बिगर मनुष्य के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूं। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं, तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सब निर्विकारी बनना है। ऐसे पावन बनने की प्रेरणा भी उनको जरूर देनी है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहां पाप होता है वहां दुख ही होगा। पाप कौन से हैं? वह भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानी करते हो, बाबा कहे, एक तो तुम धर्म की ग्लानी करते हो। कितने तुम पतित बन गए हो, मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूं पावन बनाने वाला बाप को। तुम गाली देते, ग्लानी करते हो, इसीलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। बाबा कहे, पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते हो, ग्लानी करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। कहते भी है, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी हो। ऐसे भजन गाते हैं, आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं उनके ही बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूं। बाबा बहुत जन्म किसको कहते? बच्चे 84 जन्म को, 84 लाख नहीं, 84 जन्म को। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहां तुम आते ही हो नरसिंह नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्य नारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? बाबा कहे, सत्यनारायण की कथा होती है। कभी राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने?
उसकी ग्लानी की हुई है। बाप बनाते ही है नर से नारायण, इसलिए नारायण की कोई ग्लानी नहीं। नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं, लक्ष्मी नारायण की कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूं। विष्णु के दो रूप ये लक्ष्मी नारायण है, छोटेपन में राधे कृष्ण है, ये कोई भाई बहन नहीं है, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वह महाराज कुमार व महाराज कुमारी जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होगी उनके ही बुद्धि में बैठेगी। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर है, विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं, और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। अलग अलग मंदिर भी है, विष्णु चतुर्भुज के रूप में भी है, अनेक रूप से मंदिर बनाए हैं। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः, वह तो अलग हो गया ना। देवताओं को भी कभी भगवान थोड़ी कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना, या सतयुग के मालिक थे ना, तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में वह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई, यूनिवर्स माना ही सारे विश्व। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुखधाम ले जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर के द्वारा स्थापन की हुई विश्वविद्यालय, जिसको भगवान आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहां बाप की बात, कहां ये सब कहते रहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, ये तो बाप का ही काम है। हमको ये नाम रखने नहीं देते, और गवर्नमेंट खुद रखती है। गवर्नमेंट की विश्वविद्यालय अनेक है, लेकिन जो सचमुच विश्व के लिए विद्यालय है वो नाम गवर्नमेंट रखने नहीं देती है। ये तो तुमको समझाना है, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर रथ बनाया है। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वो कहां से आया? बाबा कहे जब नाम मशहूर है प्रजापिता ब्रह्मा, वह आया कहां से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा, वह है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना, उनका बाप है शिव बाबा। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूं। ब्रह्मा की भी पहचान शिव बाबा आकर हमें देते हैं। तो बच्चों को समझाना है ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही है, इसलिए हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे।
इतनी सहज विधि है। मन मना भव, ये अक्षर तो गीता के ही है। भगवान एक ही ज्ञान सागर, पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, वह पतित दुनिया में आ न सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है, भगवान वाच अक्षर जरूर कहना है। परम पिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है, निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो यह समझाना है भगवान वाच क्या काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो, हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना। यह भी कॉलेज है, ढेर सेंटर्स है, सेंटर्स में टीचर्स मुकरूर है। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां टीचर्स को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप समान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहां बैठ क्लास चलाओ। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए, नए नए सेंटर्स खोलने के लिए चले जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाएं। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया, फिर जाकर और सेंटर जमावे। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए। सुना बहने, बाबा क्या कहते हैं, एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए, दुकान खोलते जाए, आप समान बनाकर कोई को छोड़ते जाए। दिल में आना चाहिए कोई को आप समान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई विरले रहते हैं। ऑनेस्ट उनको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ईमानदार उनको कहा जाता है जो सारे विश्व की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप समान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूं, यह काम कैसे करूं, हमको दर्द होगा। थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, इसको देह अभिमान कहा जाता है। सुना, थोड़ा भी काम करने से अगर हड्डी दुखेगी तो इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं, इतनी सूक्ष्म बात बाबा समझाते हैं। देह अभिमान के भी सूक्ष्म से सूक्ष्म परिभाषा बाबा ने बताई। कभी भी ये नहीं आना चाहिए, अरे ये करने से मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है। बाबा कहे ये भी देह अभिमान है। कुछ भी समझते नहीं, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वह भी लिखे कि बाबा फलाने ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप समान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाए। ऐसे बच्चे को कहेंगे फुल सर्विस ही नहीं करेंगे तो फुल कैसे बनेंगे। ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। तो जो अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को आप समान बनाते हैं, सेंटर खोलते जाते हैं, ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल।
सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना, तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं, सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवान वाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। उन्होंने भगवान वाच तो लिख दिया है किसके प्रति? अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था इसको भी पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वह कैसे बनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा कि मुझे याद करो? ब्रह्मा द्वारा कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा है बीच में। कितना बाबा भी ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड रखते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? तो जरूर बाबा कहे ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे। मैं जिस रथ में आता हूं उनको भी जानना चाहिए। शिव बाबा जिसमें आते हैं उनको भी अच्छी तरह से जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? जो बच्चा ब्रह्मा को बाबा ही न कहे तो बच्चा कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। इतना सिंपल सरल बात बाबा समझाते हैं तो बाबा कहे इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। हम तो बाबा का पैगाम देते हैं, परमात्मा का संदेश सुनाते, करो न करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो। समय तो बहुत मिलता है, ये कोई कह नहीं सकता कि हमारे पास समय नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। दूसरा, फूलों का बगीचा तैयार करना है।
हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान न आए। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। आज का स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, मेरा मेरा नहीं, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति।